अहबार 26वां बाब। तुम अपने लिए बुत ना बनाना और ना कोई तराशी हुई मूरत या लाट अपने लिए खड़ी करना और ना अपने मुल्क में कोई शबीदार पत्थर रखना कि उसे सिजदा करो, इसलिए कि मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूं। तुम मेरे सब्तों को मानना और मेरे मकदस की ताजीम करना, मैं खुदावंद हूं। अगर तुम मेरी शरीयत पर चलो और मेरे हुक्मों को मानो और उन पर अमल करो तो मैं तुम्हारे लिए बर वक्त मी बरसाऊंगा और जमीन से अनाज पैदा होगा और मैदान के दरख्त फलेंगे, यहां तक कि अंगूर जमा करने के वक्त तक तुम दावते रहोगे और जोतने बोने के वक्त तक अंगूर जमा करोगे और पेट भर अपनी रोटी खाया करोगे और चैन से अपने मुल्क में बसे रहोगे और मैं मुल्क में अमन बख्शूंगा और तुम सोओगे और तुमको कोई नहीं डराएगा और मैं बुरे दरिंदों को मुल्क से नेस्त कर दूंगा और तलवार तुम्हारे मुल्क में नहीं चलेगी और तुम अपने दुश्मनों का पीछा करोगे और वो तुम्हारे आगे आगे तलवार से मारे जाएंगे और तुम्हारे 5 आदमी 100 को रेंग देंगे और तुम्हारे 100 आदमी 10,000 को खदेड़ देंगे और तुम्हारे दुश्मन तलवार से तुम्हारे आगे आगे मारे जाएंगे और मैं तुम पर नजरे अनायत रखूंगा और तुमको बरोमन करूंगा और भड़ाऊंगा और जो मेरा अहद तुम्हारे साथ है उसे पूरा करूंगा और तुम अरसा का जखीरा किया हुआ पुराना अनाज खाओगे और नए के सबब से पुराने को निकाल बाहर करोगे और मैं अपना मस्कन तुम्हारे दरमियान कायम रखूंगा और मेरी रूह तुमसे नफरत ना करेगी और मैं तुम्हारे दरमियान चला फिरा करूंगा और तुम्हारा खुदा होऊंगा और तुम मेरी कौम होगे। मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूं जो तुमको मुल्के मिस्र से इसीलिए निकाल कर ले आया कि तुम उनके गुलाम ना बने रहो और मैंने तुम्हारे जुए की चोबें तोड़ डाली हैं और तुमको सीधा खड़ा करके चलाया। लेकिन अगर तुम मेरी ना सुनो और इन सब हुक्मों पर अमल ना करो और मेरी शरीयत को तर्क करो और तुम्हारी रूहों को मेरे फैसलों से नफरत हो और तुम मेरे सब हुक्मों पर अमल ना करो बल्कि मेरे अहद को तोड़ो तो मैं भी तुम्हारे साथ इस तरह पेश आऊंगा कि दहशत और तपदिक और बुखार को तुम पर मुकरर कर दूंगा जो तुम्हारी आंखों को चौपट कर देंगे और तुम्हारी जान को घुला डालेंगे और तुम्हारा बीज बोना फजूल होगा क्योंकि तुम्हारे दुश्मन उसकी फसल खाएंगे और मैं खुद भी तुम्हारा मुखालिफ हो जाऊंगा और तुम अपने दुश्मनों के आगे शिकस्त खाओगे और जिनको तुमसे अदावत है वही तुम पर हुक्मरानी करेंगे और जब कोई तुमको रेख देता भी ना होगा तब भी तुम भागोगे और अगर इतनी बातों पर भी तुम मेरी ना सुनो तो मैं तुम्हारे गुनाहों के बायस तुमको 7 गुनी सजा और दूंगा और मैं तुम्हारी शहजोरी के फखर को तोड़ डालूंगा और तुम्हारे लिए आसमान को लोहे की तरह और जमीन को पीतल की मानिंद कर दूंगा और तुम्हारी कुवत बेफायदा सर्फ होगी क्योंकि तुम्हारी जमीन से कुछ पैदा ना होगा और मैदान के दरख्त फलने ही के नहीं। और अगर तुम्हारा चलन मेरे खिलाफ ही रहे और तुम मेरा कहा ना मानो तो मैं तुम्हारे गुनाहों के मुआफिक तुम्हारे ऊपर और 7 गुनी बलाएं लाऊंगा
जंगली दरिंदे तुम्हारे दरमियान छोड़ दूंगा, जो तुमको बेऔलाद कर देंगे और तुम्हारे चौपायों को नेस्त कर देंगे और तुम्हारा शुमार घटा देंगे और तुम्हारी सड़कें सूनी पड़ जाएंगी। और अगर इन बातों पर भी तुम मेरे लिए ना सुधरो बल्कि मेरे खिलाफ ही चलते रहो, तो मैं भी तुम्हारे खिलाफ चलूंगा और मैं आप ही तुम्हारे गुनाहों के लिए तुमको और 7 गुना मारूंगा और तुम पर एक ऐसी तलवार चलाऊंगा जो अहद शिकनी का पूरा पूरा इंतकाम ले लेगी। और जब तुम अपने शहरों के अंदर जा जाकर इकट्ठे हो जाओ तो मैं वबा को तुम्हारे दरमियान भेजूंगा और तुम गनीम के हाथ में सौंप दिए जाओगे। और जब मैं तुम्हारी रोटी का सिलसिला तोड़ दूंगा तो 10 औरतें एक ही तनूर में तुम्हारी रोटी पकाएंगी और तुम्हारी उन रोटियों को तोल तोल कर देती जाएंगी और तुम खाते जाओगे पर सेर ना होगे। और अगर तुम इन सब बातों पर भी मेरी ना सुनो और मेरे खिलाफ ही चलते रहो तो मैं अपने गजब में तुम्हारे बरखिलाफ चलूंगा और तुम्हारे गुनाहों के बायस तुमको 7 गुनी सजा भी दूंगा और तुमको अपने बेटों का गोश्त और अपनी बेटियों का गोश्त खाना पड़ेगा। और मैं तुम्हारी प्रस्तश के बुलंद मुकामों को ढा दूंगा और तुम्हारी सूरज की मूर्तियों को काट डालूंगा और तुम्हारी लाशें तुम्हारे शिकस्ता बुतों पर डाल दूंगा और मेरी रूह को तुमसे नफरत हो जाएगी और मैं तुम्हारे शहरों को वीरान कर डालूंगा और तुम्हारे मकदसों को उजाड़ बना दूंगा और तुम्हारी खुशनुदी शीरीन की लपेट को मैं सूंघने का भी नहीं। और मैं मुल्क को सूना कर दूंगा और तुम्हारे दुश्मन जो वहां रहते हैं इस बात से हैरान होंगे। और मैं तुमको गैर कौमों में परागंदा कर दूंगा और तुम्हारे पीछे पीछे तलवार खींचे रहूंगा और तुम्हारा मुल्क सूना हो जाएगा और तुम्हारे शहर वीराना बन जाएंगे। और ये जमीन जब तक वीरान रहेगी और तुम दुश्मनों के मुल्क में रहोगे तब तक वो अपने सब्बत मनाएगी, तब ही इस जमीन को आराम भी मिलेगा और वो अपने सब्बत भी मनाने पाएगी। ये जब तक वीरान रहेगी तब ही तक आराम भी करेगी, जो इसे कभी तुम्हारे सब्बतों में जब तुम उसमें रहते थे नसीब नहीं हुआ था। और जो तुम में से बच जाएंगे वो अपने दुश्मनों के मुल्कों में होंगे, उनके दिल के अंदर मैं बेहिम्मती पैदा कर दूंगा और उड़ती हुई पत्ती की आवाज उनको खदेड़ देगी और वो ऐसे भागेंगे जैसे कोई तलवार से भागता हो और हालांकि कोई पीछा भी ना करता होगा तो भी वो गिर गिर पड़ेंगे और वो तलवार के खौफ से एक दूसरे से टकरा टकरा जाएंगे बावजूद के कोई खदेड़ता ना होगा। और तुमको अपने दुश्मनों के मुकाबला की ताब ना होगी और तुम गैर कौमों के दरमियान परागंदा होकर हलाक हो जाओगे और तुम्हारे दुश्मनों की जमीन तुमको खा जाएगी। और तुम में से जो बाकी बचेंगे वो अपनी बदकारी के सबब से तुम्हारे दुश्मनों के मुल्कों में घुलते रहेंगे और अपने बाप दादा की बदकारी के सबब से भी वो उन्हीं की तरह घुलते जाएंगे। तब वो अपनी और अपने बाप दादा की इस बदकारी का इकरार करेंगे कि उन्होंने मुझसे खिलाफ वर्जी करके मेरी हुक्म अदूली की। और ये भी मान लेंगे कि चूंकि वो मेरे खिलाफ चले थे इसलिए मैं भी उनका मुखालिफ हुआ और उनको उनके दुश्मनों के मुल्क में ला छोड़ा। अगर उस वक्त उनका मख्तून दिल
आजिज बन जाए और वो अपनी बदकारी की सजा को मंजूर करें, तब मैं अपना अहद जो याकूब के साथ था याद करूंगा, और जो अहद मैंने इसहाक के साथ और जो अहद मैंने इब्राहिम के साथ बांधा था उनको भी याद करूंगा, और इस मुल्क को याद करूंगा, और वो जमीन भी उनसे छूट कर जब तक उनकी गैर हाजिरी में सूनी पड़ी रहेगी तब तक अपने सब्तों को मनाएगी, और वो अपनी बदकारी की सजा को मंजूर कर लेंगे इसी सबब से कि उन्होंने मेरे हुक्मों को तर्क किया था और उनकी रूहों को मेरी शरीयत से नफरत हो गई थी। इस पर भी जब वो अपने दुश्मनों के मुल्क में होंगे तो मैं उनको ऐसा तर्क नहीं करूंगा, और ना मुझे उनसे ऐसी नफरत होगी कि मैं उनको बिल्कुल फना कर दूंगा और मेरा जो अहद उनके साथ है उसे तोड़ दूं, क्योंकि मैं खुदावंद उनका खुदा हूं, बल्कि मैं उनकी खातिर उनके बाप दादा के अहद को याद करूंगा जिनको मैं गैर कौमों की आंखों के सामने मुल्के मिस्र से निकाल कर लाया ताकि मैं उनका खुदा ठहरूं। मैं खुदावंद हूं। ये वो शरीयत और अहकाम और कवानीन हैं जो खुदावंद ने कोहे सीना पर अपने और बनी इसराइल के दरमियान मूसा की मार्फत मुकरर किए।